देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है और इस ये पी एक्स इक्वल टू आर इज मैक्सिमम, ये रिजल्ट है। एम इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना होता है एन प्लस वन इंटू पी, तो एन प्लस वन है 99 प्लस पी, और फेयर कॉइन है तो हाफ, तो 50 आ रहा है। तो यदि ये इंटीजर आता है तो आर की वैल्यू होती है एम और एम माइनस वन, तो इस केस में आर की वैल्यू होगी 50 और 49, इस केस में मैक्सिमम होगा। और यदि ये नॉन इंटीजर आए तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है इंटीजर पार्ट ऑफ एम, ठीक है। तो इस केस में तो इंटीजर आ रहा, तो आंसर होगा ये 19 का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ के टारगेट्स ईच ऑफ विच इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर टारगेट कैन बी डिटेक्टेड बाई रडार यूनिट विथ प्रॉबलिटी पी। तो कोई भी टारगेट कोई भी रडार से डिटेक्ट नहीं हो, तो डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है पी है, ठीक है। तो डिटेक्ट नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस पी, और इस तरह के कितने हैं, एम रडार्स हैं, तो सभी कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस पी की पावर एम, सभी रडार एक टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसकी ये हो जाएगा 1 माइनस पी की पावर एम। निकालना प्रोबेबिलिटी दैट और नॉट ऑल द टारगेट्स में, तो ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टारगेट्स आर डिटेक्टेड, ऑल टारगेट्स आर डिटेक्टेड, तो इसकी ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1 टारगेट डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है पी। तो इस तरह के टारगेट डिटेक्ट होने की 1 माइनस पी की पावर के। अच्छा, एक टारगेट मे बी डिटेक्टेड बाई वन ऑफ दी एटलीस्ट वन ऑफ दी रडार, क्वेश्चन नंबर 19 वेट का, इसका बेटा मैं अलग से आपको पब्लिश कर दूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन अलग से भी दूंगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मैं अलग से इसका सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा। एंड वी थ्रो ए डाई विथ वन डाइस फॉर ए सैक ऑफ 99 विच इज टू बी वन बाई प्लेयर हु फर्स्ट थ्रो फोर, ए हैज फर्स्ट सो थ्रो देन द रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेशन। तो बेटा ए की जीतने की कब होगी, तुरंत फोर आ जाए, यदि ए का फोर नहीं आया तो बी का फोर नहीं आना चाहिए, फिर फोर आ जाए एंड सो ऑन। फोर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, फोर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6, 5/6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन, ये जीपी बन जाती है। तो इसका आंसर होगा 1/6 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, दैट इज 6/11 आता है। तो एक्सपेक्टेशन होता है 6/11 इंटू 99, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 9, दैट इज़ 54 रुपी ए को मिलना चाहिए, रिमेनिंग मिलना चाहिए बी को।